गलत हुआ जो हुआ है, करना नहीं चाहिए था तो ना। लूट वूट नहीं हुआ, ये सब गलत बात है। लूट वूट नहीं हुआ, इलेक्शन बहुत बढ़िया ही हुआ चारों तरफ। दो एक तो जगह में गंडोगोल हुआ। पब्लिक को हम लोग मनाने का कोशिश करूंगा, पब्लिक को सामने जो जो भूल जानबूझ के कोई नहीं किया है, इसको ऐसे हो गया कोई। नमस्कार दादा, आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज। हमारे साथ प्रीवियस बोर्ड एडमिशन बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी हैं, इनका भी एक अहम रोल था इलेक्शन में। सर, इस बार का इलेक्शन को आप कैसा देख रहे हैं? बहुत सुंदर देख रहा हूँ, इलेक्शन बहुत बढ़िया ही हुआ चारों तरफ। दो एक तो जगह में गंडोगोल हुआ है, लेकिन उसका लिए इतना बड़ा जगह है तो दो एक तो होने सकता है, लेकिन उसका वो भी गलत हुआ जो हुआ है, करना नहीं चाहिए था। रात का घटना हम लोगों ने देखा कि CCTV एक घंटा ऑफ रहा, इसके बारे में क्या बोली जाए? ना, ये तो देखिए कोई जानकारी ये नहीं है, जानबूझ के कोई नहीं किया है, इसको ऐसे हो गया कोई कारण से फॉल्ट हो गया, तो इसमें कोई गलत नहीं हुआ है। सब सीली था, सब पार्टी का आदमी था, ये लोग सब पार्टी एक होकर तृणमूल का खिला, एक तो तृणमूल का ऊपर बदनाम चढ़ाने का कोशिश किया है। हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन के दिन में जो बहुत सारे लोग फेसबुक पे लाइव कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि बहुत सारे में बूथ लूट हुआ जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलिए? ना, लूट वूट नहीं हुआ, ये सब गलत बात है। लूट वूट नहीं हुआ है, कुछ जाएगा दो एक विक्षिप्त घटना घटा है, उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें सब दल ही शामिल है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत कोशिश किया है शांतिपूर्ण इलेक्शन करने के लिए। जैसा मैं मेरा वार्ड में बोला सबको, शांतिपूर्ण इलेक्शन से आदमी गणतांत्रिक अधिकार प्रयोग करे, कम से कम सही ढंग से इलेक्शन हो जाए। ओपोनेंट वाले बोल रहे हैं कि AMC का इलेक्शन जो 2022 है वो एक हिस्ट्री है, उसमें ये है कि पब्लिक हार गई या पुलिस जीत गई? नहीं, देखिए पुलिस जीत नहीं, पुलिस का कोई नेगेटिव रोल नहीं था, पुलिस बहुत अच्छा ही काम किया है। ये सब वो बोलने का बात है, बोल दिया ये सब। आप लोग कितना से जीत रहे? देखिए हमको तो 15-20 2000 से जीतना चाहिए, अभी आदमी लोग के क्या वोट दिया मैं तो नहीं जानता हूँ, वो तो अंदर का बात है। और अपोनेंट वाले ये भी कर रहे कि इस बार आप लोगों ने जो किया है, लोग पब्लिक आपसे दूर हो गए, आप लोग जीत गए लेकिन मॉरल सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा, और इसका असर MP इलेक्शन में दिखाई देगा। पब्लिक अगर कहे तो पब्लिक को हम लोग मनाने का कोशिश करूँगा, पब्लिक को सामने जो जो भूल बढ़ता ये लोग बढ़ताए हैं वो लोग का हम लोग सुधारने का कोशिश करूँगा। चलिए, थे अमरनाथ चटर्जी जो नीट एंड क्लीन नेता हैं और अपने बेबाकी की वजह से जाने जाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।